हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 7200 वाज पार्सली इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 6 ईयर्स एंड पार्सली इन स्कीम बी फॉर 2 ईयर्स। बोथ द स्कीम ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। द टोटल इंटरेस्ट अकॉर्ड फ्रॉम एंड वी एट द एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट पीरियड्स वाज 4008। हाउ मच वाज इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए। तो दो स्कीम है दोस्तों, ए और बी, दोनों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। टोटल रुपया है 7200, उसमें से आधा कुछ हिस्सा स्कीम ए में, कुछ हिस्सा स्कीम बी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि जो स्कीम ए है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है जा रहा है। दोनों से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 4008। दोनों का जो इंटरेस्ट है, दोनों स्कीम का जो इंटरेस्ट को अगर प्लस कर दिया जाए वो है 4008। जो फर्स्ट वाली स्कीम है वो 6 साल की है और जो सेकंड है वो है 2 साल की। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों का सेम है, दोनों सिंपल इंटरेस्ट है दोनों में। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो ए जो स्कीम है उसने एक्स अमाउंट को इन्वेस्ट किया है। तो बी में कितना होगा दोस्तों, टोटल अमाउंट उसने 7200 इन्वेस्ट किया है। अगर ए में एक्स किया तो बी में 7200 माइनस एक्स, ये अमाउंट मान लिया हमने। हमें यहाँ पे अभी एक्स की वैल्यू पता करनी है क्योंकि इन्होंने बोला हाउ मच वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। तो ए में कितना इन्वेस्ट किया, ए में हमने माना एक्स, तो बेसिकली एक्स की वैल्यू पता करनी है, वही हमारा आंसर होएगा। तो एक्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे, हम दोनों का इन्वेस्टमेंट का फार्मूले को लिख के, दोनों को प्लस लिख के बराबर है किसके, 4008 के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टोटल जो इंटरेस्ट मिला है जो इन्वेस्टमेंट पीरियड में वो है कितना है 4008। तो दोनों का इंटरेस्ट का फार्मूला लिख लेते हैं, बीच में प्लस लिख लेते हैं, बराबर लिख लेते हैं किसके, 4008 के, और यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे। तो चलिए एक्स इंटू 6 × 12/100, ये स्कीम ए का हमने यहाँ पे लिख लिया। स्कीम ए है वो 6 साल के लिए है, 12% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है। एक्स उसमें प्रिंसिपल अमाउंट है, और जो स्कीम बी है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट होगी 7200 माइनस एक्स, और ये 2 साल के लिए 12% इंटरेस्ट है ओवर 100। और इन दोनों का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का फार्मूला लिखा, बीच में मैंने प्लस लिख दिया, वो किसके बराबर है, 4008 के। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 72x हो गया प्लस 172800 माइनस 24x ओवर 100 इजिकल टू इतना हो गया, और 40x बराबर है ये 2,28,000 के बराबर हो गया, और एक्स हो गया 2,28,000 ओवर 48, और ये 4,750। तो जो एक्स जो ए स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया वो है 4,750। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे वो क्वेश्चन इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।